नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन यूं तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं कराची में। वाटर बोर्ड के एक वर्कर की पुलिस की कस्टडी डिटेंशन में हलाकत के बाद कराची शहर में एक तनाव की सी कैफियत है। आज पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ उन्होंने प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बहुत खुल के इशारा किया और उन्होंने पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए खत्ते की ताकतों को वॉर्न भी किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन सियासी एतबार से हमारे इस प्रोग्राम की जो मेन फोकस है उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से है, जहां बलदियाती इंतखाबात के बाद तमाम अपोजिशन जमातें खास करके अवामी नेशनल पार्टी, असद यार वली खान साहब का आज कहना और उससे एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब का यह मुतालबा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, परवेज खटक साहब की हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, वहाँ एक अभूरी हुकूमत कायम की जाए और नए सिरे से इंतखाबात करवाए। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है तो 100 बिस्मिल्ला करवाए जाए नए सिरे से इंतखाबात। हमारा सवाल यह है, बड़ा तजियाती हमारा सवाल है कि क्या ये सियासी जमातें वही कुछ चाहती हैं जो ये कह रही हैं, या यहाँ एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत हो रही है? माजरा क्या है? ये सियासत है, ये साजिश है? इस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, सबसे पहले उस अहम डेवलपमेंट की तरफ मुझे आपका तवज्जो दिलानी है। गुज़िश्ता शब कल रात कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। वही कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी जो अयान अली के केस में लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ थे और अदालत में पेश हो रहे थे। गुज़िश्ता दिन अयान अली भी 9वीं दफा कस्टम की अदालत में पेश हुई और कल भी उनका चालान 2.5 महीने उनको रखा गया। बार बार उनकी जमानत भी नहीं होती है, उनकी कस्टडी बढ़ाई जाती है, लेकिन 2.5 महीने के बाद भी कस्टम उनका चालान पेश नहीं कर सकी। यह साफ नजर आ रहा है कि वो ताकतवर अशखास या ताकतें जो अयान अली के पीछे हैं, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस को एक करेंसी स्मगलिंग के केस में बदल रही हैं, जिसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और अब इस कत्ल के बाद ये खदशा है, ये लग रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, तमाम लोगों को ये वार्निंग दी जा रही है कि पीछे हट जाओ, सवाल मत उठाओ, वरना तुम्हारा भी खतरनाक हशर हो सकता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नाज़रीन उठते हैं और वह सवाल मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाता हूं। सवाल यह है कि पहले कस्टम इंटेलिजेंस जो है, जो कि एक कमजोर एजेंसी है जिसके पास ताकत ही नहीं है, कि उसकी रेंज ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसको यह केस दिया है, जबकि इस केस के मामलात इस किस्म के हैं कि यह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को देने की जरूरत थी। तो सवाल यह भी है कि कस्टम अभी तक कोई 2.5 माह गुजरने के बाद कोई मौसर तहकीक क्यों नहीं कर सकी, क्यों दूसरे इदारों को इस तहकीक में अब तक शामिल नहीं किया गया, क्यों यहां पर एक्टिव हेल्प नहीं ली जा रही है FIA से, IB से, या उनके हवाले ही ये केस FIA के क्यों नहीं किया जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अयान अली, जिसकी उम्र 21-22 बरस बमुश्किल बताई जाती है, उसकी जरिया आमदनी क्या है, उसकी सालाना आमदनी क्या है, क्या किसी ने अयान अली के बैंक अकाउंट्स का मुआयना किया, उसका कोई इंस्पेक्शन की फॉरेंसिक कि वहां पर कितनी आमदनी होती थी, कितना खर्चा होता था, कितने चेक आते थे, कितने चेक निकलते थे। अयान अली ने 2 साल में जो 43 दौरे वो बताती है बाहर किए, वो क्यों किए, वहां कोई इवेंट्स होते थे जिसके लिए वो जाती थी, इन दौरों की जो टिकट्स थे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने के, और ये भी पता चलता है कि एक प्राइवेट बिजनेसमैन के जेट में भी वो ट्रैवल करती नहीं, ये दौरे क्यों किए जाते थे, इसकी कॉस्ट कौन उठाता था। फिर जब अयान अली कहती हैं कि प्लॉट मैंने 5 बेचे, उसकी फाइलें बेची, तो क्या इन प्लॉट बेचने की कोई फाइनेंशियल या माली ट्रांजेक्शन, कोई चेक, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन है, क्या कस्टम्स ने इसको देखा है, क्या FIA ने इसको देखा है? अब अयान अली के वकील मशहूर जमाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशहूर शख्सियत जनाब लतीफ खोसा साहब, जो गवर्नर रह चुके हैं, जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि अयान अली एक एक शो के $5 लाख लेती थी, $5 करोड़ रुपए लेती थी, तो फिर क्या ये पैसे उनको शो करने वाले जो थे बोरियों में डाल के देते थे, क्या इसकी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई चेक, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती थी? ये सब बड़े अहम सवाल हैं और आज हम ये सवाल उठाना चाहते हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब से कि सर आप कहां पे हैं, ये केस जिसमें अब एक मर्डर भी हो चुका है, ये चौधरी निसार अली खान साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो उनका जो महकमा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है।
ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौधरी निसार अली खान साहब ने अभी तक इस चैलेंज को कबूल ही नहीं किया। हम चाहते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब, जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है, दलेर है, बासूल शख्सियत हैं, वो इस चैलेंज को कबूल करें, एफआईए को इसके अंदर लेकर आए और माशरे को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तहफ़ दें। यहीं से हम बात का आगाज करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर सहाफी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट असद खरल साहब जो है स्टूडियो में मौजूद हैं, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दुनिया न्यूज़ के सीनियर एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब, और इसी प्रोग्राम की दूसरी नशस्त में हमें सफीउल्लाह गुल साहब जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ पेशावर के, हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन असद खरल साहब से मैं इसका आगाज करता हूँ। असद खरल साहब, आपने इस केस को, ये जो अयान अली का केस है, जो अपेरेंटली मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसकी आपने बहुत तहकीक की है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है? जो सवाल मैंने उठाए हैं कि भाई वो जब कहती है कि जनाब पहले तो इसका चालान पेश नहीं हो पा रहा, फिर वो कहती है मैंने प्लॉट बेचे थे, तो प्लॉट बेचे थे, कभी खरीदे भी होंगे, कभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई होंगी, कभी चेक कटे होंगे, इन तमाम चीज़ों की कोई तहकीकात एफआईए ये कस्टम क्यों नहीं कर पाती? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है, एक आपने जिस तरह बताया कि तहकीकात करने वाला जो लीड ऑफिसर है एजाज चौधरी कस्टम इंटेलिजेंस वाला, वो कत्ल हो गया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे राज थे कि जिससे जो पर्दा मशीनों के नाम आ रहे थे उसको रास्ते से हटा दिया गया। इससे पहले कुछ दिनों इससे पहले आप पीछे अगर जाएं तो अयान अली के जो वालिद हैं उन्होंने भी इस केस में मुतहरक होने की कोशिश की, उन पे भी गोली चली, उन पे गोली चली, और उससे पहले उन्होंने थाने में बकायदा एक दरख्वास्त दी, एप्लीकेशन दी कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं कि आप बाज आ जाओ इस केस में, क्योंकि वो ये कह रहे थे, उनका ये स्टांस था कि मैंने सेपरेशन बिल्कुल, मेरी अपनी जो मिसिज है उनसे, औलाद तो उनकी है इसमें तो कोई, लेकिन बेटी मेरी है, और बेटी है, और उनका बेटी की चूंकि वो एक ऐसी दलदल में फंस गई है, और बीइंग एक फादर वो चाहते हैं कि उसको स्केप गोट बनाया जा रहा है, और उसको निकालने के लिए जब वो कहते हैं कि मैं एक्टिव हुआ हूं, तो मैंने एक दरखास्त दी, जब मुझे धमकियां मिली उस दरखास्त के ऊपर, अब कौन बंदा रुकवा रहा था कार्रवाई, वो नहीं हुई, उसके बाद जब उनके ऊपर कातिलाना हमला, उनको गोली लगती है, तो अचानक वही दरखास्त जो उन्होंने पहले दी धमकी वाली, उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें फायरिंग का जिक्र नहीं है, फायरिंग का जिक्र नहीं है, यानी उसकी बगैर, हालांकि बेसिक राइट है, एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है इंसिडेंट के बाद, वो पहला एक इशू है वो पेंडिंग पड़ा था, लेकिन जब गोली वाला मामला आया तो उसको बना गया, हालांकि वो जख्मी होते हैं, अच्छा, तीसरा उन्होंने जो अटेम्प्ट की, उन्होंने कोर्ट के जरिए ऑर्डर लिए, और ऑर्डर लेके जब जेल में जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, वो तो अयान भी नहीं मिलना चाहती ना, नहीं, अयान जो है आपको पता है जेल में इस वक्त, जेल के अंदर जो कुछ क्रिमिनल ऐसे हैं जो जेल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और वो आप जो सारा कंट्रोल है जेल का वो उन लोगों के, और वो ही अयान को जिस तरीके से वो निकल रही है जेल से, उनकी तो चौधरी निसार अली खान साहब मैं है, वो इसी इलाके से हैं, उनको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? नहीं, उनको मैं एक दो आपको बताता हूं ना, इसमें बड़ी एक सिग्निफिकेंट चीजें हैं। अब जिन करिंदों की मैंने बात की है ना, कि जो जेल के अंदर उनका एक राज चल रहा है, और उन करिंदे, ये उन लोगों के करिंदे हैं जो ताकतवर आपने शख्सियात कही है ना, जिनके जहाज इस्तेमाल होते हैं और जिनके साथ पीएस आते हैं, और जिनके वकला जो, उनके फैमिली वकला जो है इस केस को देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जिनके नेक्सस है उसको, अगर नहीं भी मतलब आप बहुत समझ रहे होंगे मेरा ख्याल है, वो करिंदे जो हैं उनका एक, मैं सिर्फ एग्जांपल चौधरी निसार का चूंकि जिक्र आया, कि एक हफ्ता पहले तकरीबन ये जो एक बड़ा एक केस मशहूर जमाना है, उसके अंदर जो उन करिंदों के जो वकील हैं, उन्होंने उस जो खातून के खावंद हैं जो अहम केस के विटनेस भी थे, उनको ये जायदा बीबी मर्डर केस की बात करें, जायदा बीबी मर्डर, उसको उन्होंने अपने तौर पर मैनेज किया और 27 करोड़ से उससे डील कर ली, 27 करोड़ में कुछ उसको अमाउंट नगद दे दी और कुछ उसको चेक दे दिए, और उन्होंने एटीसी कोर्ट में उन वकील ने कहा, जो मुलजम के वकील ने जो जेल के अंदर है, मैंने बताया ना कि वो जेल पूरी अंपायर की तरह वो यानी अपनी मर्जी से चला रहे हैं, और उनके अच्छा, इस पे मैं आता हूं, ये तो बड़ी डिटेल में आ जाता हूं, थोड़ा सा मैं इरशाद आरिफ साहब को इसमें लेके आऊं। इरशाद आरिफ साहब, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि इंटीरियर मिनिस्टर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की दलेरी का, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनकी जुर्रत का, उनकी मामला फहमी और उनकी लीडरशिप का यह टेस्ट है? बिलाशुबा डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक ऐसा केस जिसमें उंगलियां उठ रही हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ जो इक्तदार में, सियासत में और मुल्की मामलात में बहुत अहमियत के हामिल हैं। साबिक वज़ीर दाखला का नाम आया उसमें, उनके भाई का नाम आया, फिर और लोगों के नाम आए, तो अगर एक बात अलबत्ता मैं कहूँगा, अगर यही स्टोरी किसी गैर मुल्की अखबार में छापी होती और किसी पाकिस्तान दोस्त या पाकिस्तान दुश्मन सहाफी की ये स्टोरी होती, तो अब तक न सिर्फ निसार खान साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। देखिए, ये 2.5 महीने से सारे अखबारात मुख्तलिफ स्टोरीज छाप रहे हैं, लेकिन निसार खान साहब ने एक दफा भी
ना उसका नोटिस लिया है ना उस पर कोई तवज्जो दी है। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि निसार अली खान साहब आप सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते? मालूम नहीं वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उनकी फैमिली वैसे सुना है कि अमेरिका में रहती है, मुमकिन उन्होंने बताया उनको कि यहाँ ऐसी स्टोरी छप रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक वजीर दाखिला के तौर पर वो इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे और फिर चालान मुकम्मल चालान पेश ना करने की क्या वजह हो सकती है? और उसके अलावा मेरे साथ रुकिए जरा। देखिए असद खरल साहब, ये रहमान मलिक साहब के भाई जो हैं खालिद मलिक साहब, उनका तो नाम अखबारों में भी छप गया है कि वो शायद पता नहीं इस फ्लाइट में जा रहे थे फिर वो नहीं गए, ये क्या मामला है? जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ कि 14 मार्च को अयान अली किस तरह पकड़ी जाती है, क्योंकि अयान अली तो पहले भी फेरे लगा चुकी है और वो जिस तरह मैंने यानी कराची से मोर देन 60 उसके ट्रिप्स हैं और हर दौरा जो उसका था यानी जो ट्रैवल करती थी प्रेसिडेंशियल जो है स्टाफ उसके साथ होता था, क्योंकि कुछ देर जो पीपल्स पार्टी की पहले हुकूमत थी ये साल डेढ़ साल जो के दौरान जो 2 साल के दौरान पिछले ट्रैवल हुए हैं और सिंध में जो कि हुकूमत उस वक्त भी थी और अब भी थी, पुलिस भी बावर्दी और उनके पास पास होते थे और जहाज तक छोड़ के उसको कोई ताफे फैसिलिटेट। हाँ जी, अभी रिसेंट इस वाक्य पे आ जाते हैं। अब इस्लामाबाद से टोटल उसके 3 जो हैं ट्रैवल हैं, ये ट्रैवल जो है इसमें 3 करेक्टर हैं जो कि रिकॉर्ड पे हैं, खालिद मलिक, अयान अली और अरशद पी एस साबिक जरदारी जो आसफ अली जरदारी सदर है उनके पी एस है, ठीक है। अब ये 3 लोग जो हैं ये एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, खालिद मलिक आगे गुजर जाते हैं, बोर्डिंग होता है, टिकट लेते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, अयान अली जो है वो सेंटर में है और जो उनका है जो पीएस है उनका जो जरदारी साहब के अरशद है गालबन इधर नाम अखबार में नहीं है लेकिन अखबार में ये जरूर लिखा है कि एक प्रेसिडेंट के पीएस जी अरशद जो है इनके पास वो बैग होता है और वो अयान अली और उसके कवर में और बैग जो है ये उनके पास, लेकिन पकड़ी सिर्फ नहीं मैं बताता हूँ पकड़ी किस तरह जाती है। फजर के वक्त जो एक सीनियर जो एएसएफ के सीनियर लेवल के एक ऑफिसर है वो फजर की नमाज चूंकि पढ़ते हैं रेगुलरली, उनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के राव इमरान डीडीजी एएसएफ उनको कॉल आती है कि एयरपोर्ट से बड़ी मकदार में डॉलर जो है वो स्मगल हो रहे हैं। वो फौरी तौर पर शिफ्ट को अलर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से वो शिफ्ट अलर्ट होती है और वो चूंकि एएसएफ के स्कैनर कंट्रोल में होते हैं तो ये जो स्कैनिंग चूंकि मलिक साहब आगे चले जाते हैं बीच इस में तरह, इस तरह से, मैं और ये स्कैनिंग के बाद समझो अब 3 लोग हैं 3 करैक्टर हैं, 3 करैक्टर में क्योंकि वीकर थी अयान अली। ब्रेक में ले लूं, ये तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कैसे गिरफ्तार होती हैं कैसे डिटेन होती हैं लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है, बात को आगे बढ़ाते हैं, मामला बड़ा सीरियस है। नादिन वेलकम बैक। इससे पहले कि हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासत तो वहाँ की सियासत है या साजिश है की तरफ जाएं, जरा अयान अली वाले केस को थोड़ा सा निपटा लें। देखिए एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और मामला को समझते हैं, उन्होंने कल अदालत में ये कहा कि अयान अली जो हैं उनको 5-5 लाख डॉलर मिलते हैं एक शो करने के। मेरे जहन में आता है कि जब शो जब लोग करवाते हैं चले किसी एक ने तो हो सकता है बोरी में डाल के उनको पैसे दे दिए हों, लेकिन दुबई में हिंदुस्तान में बरतानिया में पूरी दुनिया में कराची में हर जगह लोग उनको क्या बोरियों में डाल के पैसे डालते होंगे? ये तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती होगी जो 5 लाख डॉलर मिलते हैं, तो क्या एफआईए और ये कस्टम्स वाले इतने निकम्मे हैं कि ये ढूंढ नहीं पा रहे ये सारी चीज़ें? डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि जो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, एक इधर लतीफ़ खोसा साहब पेश हो रहे हैं तो उधर कराची में जो नकाबपोशों के वकील हैं जो जुल्फकार मिर्जा पे अब हमलावर हैं वहां पे जिन्होंने मीडिया को मारा है, आप उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने टेलीविजन के रिपोर्टर्स को रख रख के मारा, हाँ जी वो फारूक अच नाइक साहब और फारूक अच नाइक साहब को है वो हमेशा किस फैमिली के वकील हैं ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और खोसा की जो ये दोनों नाइक साहब तो सालबन स्विस केसेस का जो केस चल रहा था, जरदारी साहब के अभी जो केसेस चल रहे हैं उन्होंने सेनेट का चेयरमैन उनको बनाया, उनको ला मिनिस्टर बनाया और इसी तरह खोसा साहब को, यानी ये किसके बेनिफिशियरी हैं? और दोनों जगह पे अब इसका ये एक तरफ फारूक नायक हैं कराची में और दूसरी तरफ लतीफ खोसा हैं,
तो इसका मतलब है पीछे तो एक ही है ना, और दूसरी तरफ जो जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं और फिर खालिद मलिक साहब का साथ जाना, तो निसार साहब को नहीं समझ आ रहा ये सब, और जरदारी साहब के पीए साहब, उसमें हम हिडन क्या चीज रख सकते हैं? लेकिन हाँ। वो मौजूद हैं और उनका फुटेज मौजूद है, बैग लेके आ रहे हैं। अब सिर्फ मसला ये था कि चूंकि दो बड़ी ताकतें थी, बीच में आ गया अजान अली जिससे बैग पकड़ा गया। अब देखिये इसमें थोड़ा सा एयरपोर्ट का भी कत्ल हो सकता है इस तरह से। सर अजान अली का कत्ल के अलावा वहां पे और भी एक चीजें चल रही है जेल के अंदर, बहुत सारी आप भी सुन रहे होंगे चीजें। मैं उसकी बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि जेल के अंदर अगर कोई अब मिसहैप होता है किसी हवाले से भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक तो जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी, दूसरी जो मैं बात कर रहा चाहूँ निसार की, कि वो जो बंदे हैं जेल के अंदर भी करिंदे बैठ के गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, अब उनके जो बंदे विटनेस हैं, वो एक हफ्ता पहले वो बताया कि जब उन्होंने बयान दिया, बयान बरक्स दिया अदालत में सन्नाटा, और उसके अदालत जो भी बाहर हुए एक हफ्ता वो पुरसरार तौर पर गायब हो गए। ये भी चौधरी निसार साहब के लिए एक सवाल है कि यहां से अगर एक एटीसी कोर्ट से बंदा विटनेस बाहर निकलता है तो वो गायब हो जाता है, ये कौन सी ताकतें हैं जो जेल के अंदर बैठ के भी इस तरह ऑपरेट कर रही हैं, और अजान अली को भी जेल में वही लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, अजान अली को वही लोग, और ये अच्छा, आपस में नेक्सस मिल रहा है पूरा। अब इरशाद आरे साहब, चूंकि ये चीजें अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स में छप नहीं रही हैं, तो जब तक निसार, हम तो बता रहे हैं लेकिन निसार साहब को उसी वक्त चौधरी निसार इसका नोटिस दे पाएंगे जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगी, यानी डेक्लन वॉल्श की स्टोरी जब तक नहीं छपेगी उस वक्त तक चौधरी निसार नोटिस नहीं ले पाएंगे। नहीं सर, सिर्फ ये नहीं, अगर वो छप भी जाए तो उसके बावजूद अगर मुफाहमती पॉलिसी जो है हमारी सियासत की वो बरकरार है तो चौधरी निसार फिर भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक जो इशारे हो रहे हैं, जो असद खरल साहब भी बता रहे हैं, आपने भी कहा, जो खबरें हम देख पढ़ रहे हैं, अगर कोई सियासी ताकत अजान अली के पीछे ना होती तो अब तक उसको सजा मिल चुकी होती और बाकी जो किरदार थे वो भी कानून के कटहरे में आ चुके होते और निसार अली खान साहब बहुत मुतहर्रिक होते। लेकिन चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की, बाकी जो फरीक हैं सियासत के, उनकी एक मुफाहमती पॉलिसी चल रही है। जब मुफाहमत का मफहूम ये हो कि आप लूटेंगे आपसे कोई नहीं पूछेगा, हम लूटेंगे हमसे कोई नहीं पूछेगा, और इस अंदाज में हमने जमहूरियत को, ये जो बदनाम हो रही है, जमहूरियत किस बुनियाद पर हो रही है? इसी बुनियाद पर कि एक मामले में हुकूमत का रवैया कुछ और होता है, दूसरे मामले में बिल्कुल कुछ और होता है। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, खुलम खुला केस है, पकड़ा गया है, लेकिन ढाई महीने से चालान पेश नहीं रहा, उसका पता चलता है कि जो टेलीफोन जो है वो उसका डिकोड नहीं हो रहा, बाकी जो मामलात हैं वो सामने नहीं आ रहे, और वो कस्टम जो इंटेलिजेंस का आदमी बेचारा गरीब है वो मारा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हमारे यहाँ जो जिस किस्म का सिस्टम चल रहा है, गरीब दुश्मन आवाम दुश्मन सिस्टम है, ये उसका एक परतव है। पिज़ा साहब जी, एक परतव है। मुझे एक ब्रेक लेने दें। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इंसाफ दुश्मन है, आवाम दुश्मन है, गरीब दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन किस्म का मामला लग रहा है सियासत का। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ सफीउल गुल साहब जो हमारे साथ हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात का आगाज करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये पेशावर के अंदर, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस किस्म की सियासत हो रही है ये क्या है, इसका मकसद क्या है, ये सियासत है, ये साजिश है, ये कुछ और हो रहा है। After the break. नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं सफीउल्लाह गुल साहब की तरफ, ब्यूरो चीफ हैं हमारे दुनिया न्यूज के पेशावर से। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब हमें कुछ समझाएं, हमें कुछ बताएं, ये क्या माजरा है जो तमाम ऑपोजिशन जमातें कहती हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद कि जनाब यहाँ पे एक अबूरी हुकूमत बने, परवेज खटक साहब मुस्ताफी हो जाएं, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं, ये क्या माजरा है? ये वाकई हुकूमत को गिराना चाहते हैं या कुछ और हासिल करना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर आज ही की सिर्फ हम सिचुएशन देखें कि जिस तरह प्रोटेस्ट हुए हैं, और उसमें अगर हम ये देखें कि इवन जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, जमात साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जी। अगर हम ये देखें कि सिर्फ जो जमात इस्लामी ही की अगर हम बात करते हैं, वो तो हुकूमत की इत्तेहादी जमात थी, उन्होंने भी आज प्रोटेस्ट किया और हुकूमत के खिलाफ ही उन्होंने ये प्रोटेस्ट निकाला है। और अगर हम कल की देखें तो शाहराम तरक्की जो कि एक एलाय है हुकूमत में रहा है सवाबी से, यानी उन्होंने बहुत सी सीटें लूज की हैं और उन्होंने अगेन धांधली पर उन्होंने भी इल्जाम लगाया है। तो ये ऐसी सिचुएशन अभी बन गई है, अगर JUI ANP और हम बाकी जमातों का देखें, पीपल्स पार्टी का, तो वो भी इसी सिचुएशन में है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि
मैसिव बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, वोटों को जो है वो आगे पीछे किया गया है। इतना बड़ा इलेक्शन था जिसे यानी फेज वाइज करना चाहिए था, वो हुकूमत ने एक ही दिन करवा के ये एक राह हमवार किया। ये थोड़ा सा बताएं, हम कल जो फिगर्स देख रहे थे, चूंकि हम तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से इतने वाकिफ नहीं है, लेकिन हमने जो फिगर्स देखे हैं उसमें हमें लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट की हमने देखी है, 24 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से पीटीआई शायद 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुकूमत बना पाएगी, मेयर की हुकूमत या नाजिम की, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो करंट सिचुएशन है, ऑलमोस्ट 259 से ज्यादा जो है वो उनकी सीटें हैं। अगर हम ओवरऑल केपीके की बात करें तो इसमें 10 ऐसे अजला हैं कि जहां पर हुकूमत वो बना सकते हैं, जिनमें इवन जो है आपका पिशावर आता है। पिशावर में अगर 92 जो वार्ड्स हैं उनमें से इनके 48 इनके पास ऐसी सीटें हैं कि जिनमें यानी उसको अगर करें तो 11 चाहिए। और अगर मैं थोड़ा तेज तेज चलूं कि जमीयत उलमा इस्लाम भी 3-4 जगहों पे हुकूमत बना सकती है, स्ट्रांग है, एएनपी भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रांग है और पीएमएलएन भी स्ट्रांग है, तो ये जो रिजल्ट है ये तो ऐसा लगता है कि जिस किस्म की रिलेटिव स्ट्रेंथ थी मुख्तलिफ जमातों की, जैसे मौलाना की स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ थी आप बता दें हमें, टांक में थी, डेरा इस्माइल खान में, कहाँ कहाँ थी? जी मेन अगर देखें तो बनू में उनकी सबसे बड़ी यानी मेन स्ट्रेंथ थी, चूंकि जेयूआई पहले सीएम भी वहीं से रहे हैं और मौलाना साहब ने अगर देखें तो पिछले भी जो उन्होंने वो किया है इलेक्शन उसमें भी यानी मौलाना साहब के पास है, तो ये वो जगह हैं कि जहां पर जेयूआई जी सफीउल्लाह गुल साहब जी, तो ये वो इसी तरह अगर एएनपी को हम देखें तो एएनपी की अगर सिचुएशन को हम देखें तो एएनपी मर्दान में स्वाबी में और यहां पर वो बना सकती है। नहीं लेकिन मेरा सवाल ये है सफीउल्लाह गुल साहब कि एएनपी ने तो अपने 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस की है, मेरा ये ख्याल है, मुझे लगता है ये सही है गलत है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें अगर हम इलेक्शन देखें, अगर जनरल इलेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो गेन किया है या रिवाइव जो की है वो एएनपी ही है। अच्छा और अगर हम देखें जिस तरह पार्टी जो है वो उसकी मोर और लेस वही पोजीशन है जो 2013 में थी, जेयूआई आप कह सकते हैं कि जेयूआई ना लूजर में है और ना गेनर में है, लेकिन पीटीआई अगर हम पीटीआई की बात करें कि वो स्वीप जिस तरह किया था वो उसकी निस्बत एएनपी को जगह मिली है वो ऊपर आई है। तो पीटीआई ने कोई खास स्वीप नहीं किया, यानी ये नहीं कह सकते कि 2013 के मुकाबले में पीटीआई कोई मजबूत बन के उभरी है, वो तकरीबन उधर ही खड़ी है या पीछे गई है? देखें अगर पीटीआई का सिर्फ हम दो मेन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं, सवाबी ही को अगर हम ले लेते हैं, तोरगर की अगर हम बात ले लेते हैं, जहां से स्पीकर बहस सवाबी ही से वो ताल्लुक है, शहराम तरह कई भी सवाबी से, वहीं से उन्होंने सीटें लूज की हैं। ठीक है, अच्छा जरा मुझे इरशाद आरिफ साहब को इसमें लाने दीजिए। इरशाद आरिफ साहब आपको क्या समझ आ रहा है, ये जो सियासी जमातें हैं 4-5 बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, ये वाकई ही हुकूमत तोड़ना चाह रही हैं, इलेक्शन करवाना चाह रही हैं, या ये कोई और केस बना रही हैं? डॉक्टर साहब इसमें 2-3 चीजें वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। नंबर वन, ये वो जमातें हैं जो 2013 के इलेक्शन के बारे में भी धांधली का शोर मचाती थी लेकिन कहती थी नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब चूंकि मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ साहब नहीं हैं या जरदारी साहब नहीं हैं, इमरान खान हैं, तो अब ये कहते हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, यानी तजाद है इनके अपने मौक़िफ़ में। जिस उसूल की बुनियाद पर ये 2013 के इलेक्शन को नल एंड वाइड नहीं करार दिलवाना चाहती थी, उसी उसूल के तहत इसको ख़त्म कराना चाहती हैं। नंबर वन तो ये है कि ये तजाद है। दूसरा ये है कि ये सियासी जमातें हमारी जो हैं, जो माजी में हुक्मरान रही हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन को कबूल ही नहीं करती, ये कभी इस हक में रही ही नहीं है कि इस मुल्क में जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर यूनियन काउंसिल की सतह पर तकसीम हों, आवाम को मौका मिले, आम सियासी कारकुन को शिरकत इकदार का मौका मिले। अब उनके लिए एक मौत सी नज़र आ रही है कि अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है, ये चल पड़ता है, तो उसके नतीजे में MNA की MPA की जो ब्लैक मेलिंग की पोजिशन है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये निचली सतह पर आम कारकुन भी ताकतवर हो जाएगा, उसके पास इकदार आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर वही शेयर मिला है बल्कि ANP को बेहतर शेयर मिला है तो फिर क्या फिर भी ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है? इसका मतलब है धांधली उन पार्टियों ने की है, हुकूमत है PTI की
اور جیت رہے ہیں دوسرے اس کے مخالفین، تو یہ بھی عجیب سی دھاندلی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ الیکشن جو ہے کیا صوبائی حکومت نے کرائے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں؟ اگر الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں تو اسی الیکشن کمیشن پر تو اعتراضات تھے کہ یہ الیکشن کمیشن 2013 کے الیکشن بہتر انداز میں نہیں کرا سکا اور ممکن ہے اس وقت بھی نہ کرا سکا ہو۔ تو اعتراض جو ہے وہ صوبائی حکومت سے زیادہ بنتا ہے الیکشن کمیشن پر۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو خراب ہوئی اس کی ذمہ داری پرویز خٹک پر ہے۔ اب ذرا رکھیے، ذرا صفی گل صاحب کو اس میں لے لیں۔ صفی گل صاحب، یہ آپ نے جو ارشاد آر صاحب نے اس کا تجزیہ دیا، آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہی چیر کر رہی ہے جس طرح علی امین کی بات ہے۔ علی امین پر جو الزام لگا ہے وہ اس سے نگیٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو ڈی آر او کا سٹیٹمنٹ آیا، آفیشل جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، اس میں علی امین کو الیج کیا ہے۔ اگر ہم نوشہرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میاں افتخار کے ساتھ جو ہوتا ہے یا وہ جو واقعہ سامنے پیش آتا ہے وہ ایک الگ چیز۔ پشاور میں جو ہم نے دیکھا یہاں پر بھی حالات ایسے تھے کہ پی ٹی آئی کے ایون یعنی ایسا تھا کہ وہ کیری کر کے لے کر جا رہے ہیں، باقی پارٹیز نے اسی کا فائدہ لیا۔ کیونکہ صبح سے ایک چیز آ رہی تھی سامنے سے کہ اگر بڑا سمپل سا ہے کہ اگر ایک ووٹ 10 منٹ میں اگر کاسٹ ہوتا ہے تو وہ 100 ووٹ جو ہے ایک بوتھ میں 1000 منٹ چاہیے، یعنی کہ 16.5 گھنٹے چاہیے، جبکہ ٹائم 9 گھنٹے کا۔ ہر ایک نے اس پہ زور لگایا۔ اب اس میں جو ہے ایسی چیزیں آئی ہیں سامنے کہ لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں خواتین کے۔ اگر ہم پولنگ سٹیشن کو صرف دیکھیں تو سب سے زیادہ پولنگ سٹیشن خواتین کے۔ اس طرح کی میں آپ کو بات مکمل کرنے دوں گا، ذرا ایک بریک لے لیں صفی گل صاحب، پھر واپس آتے ہیں، پھر اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، صفی اللہ گل صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ صفی اللہ گل صاحب، آج آپ لوگوں کو اینالسٹ کو لینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ کل ہمارے ساتھ سیاستدان تھے پروگرام میں، انہوں نے اتنا یعنی دھماکہ چکڑی ہوئی اور اتنا یہاں بھی لڑائی جھگڑا ہوا کہ کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو لوگوں نے ہمیں بڑا کنڈیم کیا اس چیز پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی سے ہمیں یہ سمجھ آ سکے، آپ پشاور میں ہیں، ہم لوگ اسلام آباد میں ہیں، ہمارے فیٹ آن گراؤنڈ نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید چیزیں اتنی ہیں نہیں جتنا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جب کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، منظم دھاندلی ہوئی ہے، تو دوبارہ الیکشن کرا دیں، اس کے بعد بھی ان جماعتوں کا مطالبہ یہی ہے یا یہ ایک کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہی والی جس طرح ایگزیکٹلی آپ نے بات کی، اگر ہم پازیٹیو سائڈ کو اگر دیکھیں، کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کا ایکسیپٹ کرنا اور یہ آفر دینا کہ چاہے وہ جے آئی ٹی، جس طرح آج وزیر اعلیٰ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا، انہوں نے یہی کہا کہ چاہے جے آئی ٹی بنائے، چاہے جوڈیشل کمیشن بنائے، چاہے آپ لوگ ری الیکشن جو بھی چاہتے ہیں، تینوں کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرف کا ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے، دوسری پارٹیز کی تسلی کے لیے وہ کہہ رہے۔ لیکن اگر ہم پھر اے این پی کے اسمد یار ولی کی اگر ہم بات کریں، جس طرح انہوں نے بات کہی، اسی طرح جماعت اسلامی کی بات کریں، جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ ہم ری الیکشن کے اس میں نہیں ہیں، حق میں نہیں ہیں، لیکن ان جو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں جہاں پر یہ دھاندلی ہوئی ہے یا وہاں پر بدنظمی ہوئی ہے، وہاں ری الیکشن ہونے چاہیے، ری پولز ہونے چاہیے، اوور آل کیا۔ جبکہ پیپلز پارٹی پہ ان کے جو لوکل امیر ہیں پشاور میں، وہ یہ پوزیشن اختیار کرتے ہیں یا سراج الحق صاحب کی یہ پوزیشن ہے؟ لوکل جو ڈسٹرکٹ کا تھا، سب سے پہلے انہوں نے یعنی یہ موقف اختیار کیا۔ جبکہ اگر ہم پروفیسر ابراہیم کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جن جگہوں پر بدنظمی ہوئی ہے یا وہاں سے شکایتیں آئی ہیں، وہاں پر ری پولنگ کیجئے، اوور آل ری پولنگ کے حق میں وہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، یا سیف عری کے اتحاد تھا، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کا، ان کا ڈیمانڈ اب اسٹریٹ اوے وہ ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں، مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت پہلے مستعفی ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، پھر الیکشن ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے بلدیاتی نظام کے یعنی دوبارہ الیکشن ہو، جو کہ یعنی جو 2 ووٹس ہیں جو پارٹی بیسس پر ہیں وہ الگ ہوں، اور باقی جو 5 ووٹس کی ہے وہ کاسٹنگ وہ الگ ہو۔ جبکہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی آئینی طور پر ہم یعنی مستعفی ہونے کے، ہم نے تو بلدیاتی نظام کے تحت تو ہم نہیں آئے، ہم نے تو جنرل الیکشن عوام کی، اس سے ہم حکومت بنی ہے، تو جب ری الیکشن ہم کروانے کے لیے آفر کر رہے ہیں، اور اس حد تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے جو پہلے ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اس کو فیزز میں کیا جائے، اور
आर्मी के सुपरविजन में किया जाए। अगर हमें पता होता कि इलेक्शन कमीशन आर्मी की सुपरविजन में नहीं करवा रही, तो हम इस कतन भी इस इलेक्शन को हम आगे ना लेकर जाते, क्योंकि ये इतना बड़ा वो इलेक्शन था। अगर ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए, जो पार्लियामेंटेरियंस अगर सूबाई असेंबली में या नेशनल असेंबली में जाते हैं तो वो तो मेन फिगर्स होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन गली मोहल्ले गांव देहात हर जगह का वो होते हैं, और वो फिर बहुत सी चीजें उनके आपस में जो इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल मुनाफरत होती है, वो सामने आ जाती है। इरशाद आरे साहब हमारे साथ थे, अजमल वजीर खान साहब एक दिन पहले, उनका ये कहना था कि ये जमातें जो है अपोजिशन की, ये दर हकीकत एक बी टीम के तौर पर काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये केस बना रही है कि इलेक्शंस में धांधली हो जाती है, इलेक्शंस गलत हो जाते हैं, और 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। दर हकीकत जुडिशियल कमीशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, ये केस बनाया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म का। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये केस बनता नहीं है। या तो वो कहते ये मौकफ ही ये अख्तियार करते हैं कि देखा जी हम तो पहले भी कहते थे कि इलेक्शन में धांधली हो जाती है, जब उन्होंने सूबाई हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपनी जो मंतिक थी उसकी नफी कर दी, क्योंकि जब यही मुतालबा इमरान खान करते थे तो ये कहते थे कि ये इलेक्शन में धांधली हो जाती है लेकिन हुकूमत को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि जो इलेक्शन हुकूमत ने नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ने कराया है, उसकी बेस पर उस हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो जुडिशल कमीशन है वहाँ तो इमरान खान का केस मजबूत हो गया कि जी मैं तो पहले कह रहा था, नंबर वन अगर धांधली होती है तो हुकूमत को, देखिए ना ये एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान में, केस तो बना रहे हैं, वो मजबूत कैसे हो गया, एक आर्गुमेंट बना रहे हैं वो। नहीं नहीं, देखिए वो जब ये कहते हैं कि इस इलेक्शन की बुनियाद पर, इलेक्शन में धांधली की बुनियाद पर हुकूमत मुस्ताफी हो, तो इमरान खान का मुतालबा कहता है कि जो हुकूमत धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें, उनको जाना चाहिए। ये उसके जो दलील है या उसका जो मौक़िफ़ है उसको मजबूत किया जा रहा है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन में धांधली अगर हुई है, इमरान खान खुल्लम खुला कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन करा दिए जाएँ, एक तो यह तरीका है, दूसरा इससे सबक हासिल करने की ज़रूरत है। ये दो ऐसे सूबों में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं जो पहले इकतदार में नहीं रही जमातें, लेकिन जो दो जमातें जो पहले इकतदार में थी, तीन जमातें बल्कि, एएनपी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने अपने दौर में बलदियाती इलेक्शन नहीं कराए, ना एएनपी ने कराए हैं पूरे पाँच साल में, ना मुस्लिम लीग नून ने कराए हैं, ना पीपल्स पार्टी में कराए हैं। अब उनको ये तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली निशाना बलदियाती इदारे हैं। असद खान साहब आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? बात तो ये, एक तो डॉक्टर साहब इरशाद अरब साहब ने बात की, सफीउल्लाह साहब ने बात की कि ये कैसी धांधली है, जिसमें एएनपी का जारी बात है रेशो उसी हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स होती है उसी के साथ ही नाजम और कांग्रेस होते हैं, तो अब ये है कि उनकी 117 सीटें आ गई ऑलमोस्ट, अब तकरीबन अबाउट 50% उन्होंने हाफ या नहीं, पीटीआई की 259 है तो उन्होंने 117 अगर ले ली है तो उनकी तो इंक्रीज हुआ है नंबर। हालांकि वो तो अगर धांधली होती, इन्फ्लुएंस होता गवर्नमेंट का, तो वो पीटीए की सीटें बढ़नी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इमरान खान ने मसले ही हल कर दिया, उनका री इलेक्शन करा दे। अब देखें ना, ये वो तो पूरे सूबे में बलदियाती इलेक्शन का री इलेक्शन, और फिर सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ जी सर इरशाद साहब का, कि दो बड़ी जमातें जो हैं, जो पीपल्स पार्टी सिंध में और पीएमएलएन जो पंजाब में, वो तो बलदियाती इलेक्शन करवा ही नहीं रही, वहां उस तरफ जाना ही नहीं चाह रही, जो जमहूरियत के बड़े लंबरदार हैं, और इसकी अप्रिशिएट करने के पंजाब में सितंबर में जो एक है कि होंगे वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, और ये खैर दूसरी तरफ मुल्क की बदकिस्मती भी है कि जमहूरी हुकूमत है और उसको सुप्रीम कोर्ट को बार बार दो तीन साल से वो कहना पड़ रहा है और फोर्स कर रहे हैं कि करा दे करा दे, इलेक्शन करा दे, कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ रही है। इख्तियारात जो पावर शेयरिंग है ये नहीं चाह रहे, ये चूंकि स्टेटस को की पार्टियां हैं और ये चाहते हैं सारे इख्तियारात अपने पास रखें। उसमें मसला बड़ा ये है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट्स बनाते हैं तो अरबों रुपए के वहां फंड नाजम, टाउन नाजम, तहसील नाजम और काउंसलर के पास जाते हैं, वो बड़े बड़े खांचे नहीं, ताकत का इशू नहीं है, जो आपको 200 अरब के 300 अरब के मनसूबे हैं वो शेयर आपको फिर कम मिलता है, वो डिस्ट्रिक्ट को शेयर जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट को फिर किकबैक्स कमीशन के इशू भी आते हैं,
तो बड़ी जमातें जो हैं जो जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम जो हैं वो इल्जाम नहीं है, बहुत सारे केसेस भी हैं, इंक्वायरीज भी हैं। आज आपको एक अहम बात वक्त में बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहब, एक बात कहने की अगर इजाजत दें डॉक्टर साहब, एक बात समझ आई है जो मेरी नाक का शकल है कि ये जो जमातें ऑपोजिशन की जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये केस बना रही हैं, ये ड्रामा कर रही हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत गिरेगी या कोई अबूई हुकूमत बनेगी या इलेक्शन होंगे, ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक सियासी केस इस्टेब्लिश कर रहे हैं इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़ को कमज़ोर करने के लिए, ये हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं। यही हमारा एनालिसिस है, बहुत शुक्रिया।